गत दिनों हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में शून्य लागत प्राकृतिक खेती पर आधारित 4 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसान बागवानों को शून्य लागत पर प्राकृतिक तौर तरीकों से खेती की जानकारी देना है तथा पर्यावरण मित्र बनकर स्वास्थ्यवर्धक एवं उच्च गुणवत्ता युक्त फसलोत्पादन करना है। कार्यशाला के मुख्य वक्ता डॉ. सुभाष पालेकर ने अपने संबोधन में कहा कि हिमाचल प्रदेश में वायु अवयव कृषि अनुकूल है, यहाँ वर्ष भर खेती की जा सकती है जैसा विश्व के बहुत कम कृषि योग्य क्षेत्रों में संभव है। कृषि उत्पादों को स्वास्थ्य अनुकूल बनाया जा सके और हमारे शरीर की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को संतुलित रूप से पूरा किया जा सके, इसके लिए प्राकृतिक तौर तरीके से खेती की जरूरत पर बल देना वर्तमान समय की जरूरत बन गई है। हमारे देश के सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही हुई है और केवल भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया इन समस्याओं से ग्रस्त है। बहुत सारे विद्वान इसका हल निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन हल की कोई गुंजाइश अभी तक तो सामने नहीं आई है। जैसे खाद्य सुरक्षा समस्या है, पूरी दुनिया की है, केवल हिंदुस्तान की नहीं है। वैश्विक तापमान वृद्धि है और वायुमंडल में बदलाव, ये वैश्विक समस्या है, केवल भारत की नहीं है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र से बहुत तेज गति से होने वाला युवाओं का स्थलांतरण शहरों की तरफ, ये भी वैश्विक समस्या है। किसानों की आत्महत्या, यह केवल हिंदुस्तान की समस्या नहीं है, ये वैश्विक समस्या है। भारतीय खेती का इतिहास 10,500 साल का है। इन 10,500 सालों में शुरू के 5,000 साल खेती में गोबर के खाद का उपयोग नहीं होता था, स्थलांतरित खेती थी, शिफ्टिंग कल्चर था। सारा भारतवर्ष घने जंगल से भरा पड़ा था, मानवीय बस्तियां बहुत छोटी थी, जंगल काटते थे और लोहे का अभी खोज नहीं हुई थी, तो पत्थर के कुदाल बनाते थे, उससे भूमि को खोदते थे। जंगल में भटकते भटकते जो घासें उगती थी, कौतूहलवश किसी घास का बीज लिया, चक्कर देखा, बड़ा स्वादिष्ट लगा कि ये इसकी फसल लेना चाहिए, तो बीज लिया, अपने झोपड़े के पास लगा दिया, उसका नाम दिया धान। भटकते भटकते और एक घास मिली, उसका बीज खाकर देखा, बड़ा स्वादिष्ट लगा, अपने झोपड़े के पास लगा दिया, उसका नाम दिया गेहूं। जो हम खाते हैं, जो फसल उगाते हैं, वो पूरी जंगल की घास है। वो बीज जो संजोगी हुए थे, उनको उस खोदे भूमि में फेंक देना, जबकि करोड़ों सालों से भूमि उजड़ा थी, जंगल से भरी पड़ी थी, ह्यूमस बहुत विशाल मात्रा में था, ऑर्गेनिक कार्बन लगभग 5 के ऊपर था, तो 3 साल तक बहुत बड़ी उपज आती थी। जब भी उपज घटने लगती थी, वो जंगल छोड़ देते थे और नया जंगल काटते थे, कोई अपने आप खड़ा होता था। इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्चर। आज भी वेस्टर्न घाट में, हिमालयन रेंज में, जो नॉर्थ ईस्ट का रेंज है, या आज पहाड़ियों में जनजातियां जो आदिवासी है, आज भी शिफ्टिंग कल्चर कर रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के उपकुलपति
डॉक्टर कृष्ण कुमार कटोच ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व में समय समय पर क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं और हर क्रांति के अपने पहलू रहे हैं। वर्तमान में प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में क्रांति की जरूरत है। प्राकृतिक खेती पर्यावरण मित्र है और प्रदूषण को रोकती है तथा स्वास्थ्य सहयोगी होने के साथ साथ स्वयं पोषणीय है। यह खेती जीवन का सम्मान करती है और उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्रदान करती है, इसलिए प्रदेश के किसानों को इसे अपनाना चाहिए। हरेक आदमी ये चाहता है कि उसे सुरक्षित भोजन मिले और अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन मिले, और इसी के संदर्भ में जो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ऐसा है कि हरित क्रांति के अपने पहलू थे। बीच में ऐसे होता है कि जब जब कभी इम्बैलेंसिंग होनी शुरू होती है तो हम अपने पर्यावरण को, अपने सिस्टम को संतुलित करने की कोशिश करते हैं, चाहे हमारी अपनी खुद की सेहत ही क्यों ना हो, उसके लिए आप देखते हैं कि कोई प्राणायाम करता है, कुछ करता है, फिर जब वो ठीक हो जाता है फिर वो छोड़ देता है, दोबारा से फिर शुरू करना शुरू करते हैं। तो ये एक क्यूरेटिव मेजर भी हैं और लॉन्ग टर्म इफेक्ट के भी हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी ज़मीन को, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको हम अच्छी तरह से संजो करके रखें, अच्छी तरह से उनको आगे बढ़ाएँ। ऐसा है कि जब मैं देख रहा था कि मैं तीन स्कूल्स ऑफ थॉट की बात करता हूँ कि खेती जो है वो आजकल तीन स्कूल्स ऑफ थॉट पे आ रही है। पहले तो है कि साइंटिफिक या मतलब जो हम कन्वेंशनल एग्रीकल्चर करते हैं जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर और सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, दूसरा है कि जैविक खेती, तीसरे के बारे में जो हम थोड़ा सा कम जानते थे लेकिन ऐसे प्राकृतिक जो तीसरा पहलू आ रहा है। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या अंतर है ये पालेकर साहब ने बताया, और इसको जो हमें समझ करके बिल्कुल कैसे हमें अपनी खेती को आगे बढ़ाना है उसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा बात देता हूँ, सॉयल टेस्ट बेस्ड जो मिट्टी की परीक्षण की बात करते हैं, वहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है कि क्या है एप्लीकेशन, क्या है उसकी रिकमेंडेशन आई, वहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पर वैल्यू ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन पार्ट जो है जो खेतों में डालने वाली बात आती है तो बोल को नहीं हुई। इस कारण से हमारा जो है वो सारा सिस्टम गड़बड़ा गया और हरित क्रांति के भी मन के इसी कारण से पूरे परिणाम जो वो हमें भुगतने पड़े। तो इस चीज़ को जो है वो ठीक करने के लिए जरूरी है कि हम पर्यावरण मित्र खेती के ऊपर जो है वो ध्यान दें, और प्राकृतिक खेती जिसके बारे में कह रहे हैं कि संपोषणीय है, सेल्फ सस्टेनेबल है, इसका मतलब कि एडिशनल इनपुट्स नहीं लगेंगे तो डेफिनेटली मतलब कि उसमें जितनी भी इनकम होगी वो इनकम होगी, रियल इनकम होगी, बजाय कि इन्हीं अदानों पर जो है वो हम खर्च करके कहीं पैसा जो और दूसरी जगह दें। दूसरा ऐसा है कि इसके और भी बड़े अच्छे रिजल्ट जो हम बताए, जैसे कि मरुस्थलीकरण जो हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन जो हो रही है लैंड की, उसको बचाने के लिए भी प्राकृतिक खेती जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जीवन का सम्मान करने वाली खेती की बात करते हैं, इसे ऐसा है कि प्राकृतिक खेती जीवन का सम्मान करती है, ये मानव शोषण के खिलाफ है। नेचुरली जब आप लेंगे नहीं कुछ बाहर से, अपने संसाधनों से करेंगे तो आप शोषित होने की कोई जरूरत नहीं है, उस तरह से जो आगे काम कराया जा सकता है। उच्च गुणवत्ता की बात करते हैं, आपको शुगर की रिकवरी के बारे में बताया कि नॉर्मल में जो है वो खेती जो उसमें 9% जो रिकवरी है शुगर की, और दूसरे में जो है वो 13% है, इसमें उनकी क्वालिटी जो है वो उसमें है, तो उच्च गुणवत्ता को बनाए रखने में भी ये सहायता देती है। ये है कि हम इसको जो पूरे तन्मयता से प्राकृतिक सिद्धांतों को जो कैसे आत्मसात करते हैं अपनी खेती में, ये बहुत जरूरी है। बिना कीटनाशक के, बिना खरपतवारनाशक के, बिना जुताई के, बिना रसायनिक, इसका मतलब है कि जो प्रकृति में होता है उन्हीं सिद्धांतों के ऊपर जो हम खेती को आगे बढ़ाएं। हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अपने संबोधन में कहा कि कारण के बिना कार्य संभव नहीं हो सकता, इसलिए हमारे कृषक मित्रों को रोगमुक्त फसल उत्पादन की ओर अग्रसर होना चाहिए तथा रसायनों का उपयोग छोड़कर प्राकृतिक तौर तरीकों से खेती करनी चाहिए। हमारे किसानों को सिर्फ अपने आर्थिक लाभ के लिए ही नहीं बल्कि अन्नदाता बनकर देशवासियों का भरण पोषण करने के लिए भी अपने खेतों में शुद्ध फसलोत्पादन करना चाहिए। राज्यपाल ने प्रदेश के किसानों को देसी नस्ल की गायों के पालन को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि देसी नस्ल की गायों के दुग्ध उत्पाद स्वास्थ्यवर्धक होते हैं तथा इनके गोबर से बनी प्राकृतिक खाद खेतों में फसलों को भरपूर प्राकृतिक पोषक तत्व प्रदान करती है। चार दिन की कार्यशाला को एक पूजा स्थल मान करके बैठेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ
कि आप आने वाले भविष्य में किसान नहीं अपितु समस्त जनता के लिए एक भगवान का काम करेंगे, जीवन देने का काम करेंगे। बहुत बड़ा काम आपके द्वारा होने वाला है। पालेकर जी ने जो चर्चाएं आपके बीच में करनी है वो इतनी अनुपम है कि आप स्वतः अनुमान लगाएंगे। मैंने इनके कार्यशाला को अटेंड किया, जाना, और अपने खेतों में नहीं, मैंने भी 50 लाख किसान पिछले दिनों हैदराबाद गए। हैदराबाद में जितने लोग आप बैठे इतने किसान शहर के प्रतिष्ठित बुलाए हुए थे। तो इनकी जीरो बजट लागत के द्वारा ही वहां खेती करते हैं लोग। 50 लाख संख्या थोड़ी नहीं होती इतने किसान, और जिन्होंने किया वो इतने आत्मनिर्भर सुखी हुए हैं, आप स्वतः अनुमान लगा सकते हैं। जीरो बजट खेती का मतलब है कि किसान को शहर से एक पैसे का भी पैसा देके कोई चीज लाकर खेत में डालनी पड़े, उसका नाम जीरो बजट है। न उसमें यूरिया चाहिए, न उसमें डीएपी चाहिए, न बाजार वाला पेस्टिसाइड चाहिए। आप सोचिए खुद कितना बड़ा खर्चा इन दवाइयों के ऊपर और खादों पे किसान करता है। यदि उसका वो खर्चा बच गया तो आत्महत्या करने के रास्ते से तो बच गया। किसान कब बर्बाद होता है? उसने महंगे तो बीज खरीदे, महंगा खाद डाला, महंगी दवाइयां डाली, लेबर से उसमें काम कराया, ओले गिर गए, तूफान आ गया, फसल नष्ट होगी, कहां जाए? अब उस कष्ट को वो नहीं सहन कर पाता, उस कर्जे को नहीं सहन कर पाता। लेकिन इन वाली खेती में ये खर्चा है ही नहीं। उसने घर में ही तो पेस्टिसाइड बनाना है, घर में उसने खाद तैयार करना है, और उस खाद के लिए एक देसी गाय चाहिए। एक देसी गाय से ये 30 एकड़ की खेती करवाएंगे, 30 एकड़ की एक देसी गाय। अब आप ये समझेंगे कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है? लेकिन ये कतई संभव है। मैं करता हूं और 250 एकड़ के किसान जाकर भी मेरे सामने बैठे हैं, और इनमें और भी कोई होगा तो शायद सब आप नए हैं, लेकिन ऐसे 50 लाख किसान हैं। इस देश के किसानों को मौत के घाट वो ना जाएं, उसको बचाने के लिए अपने पूरे जीवन की आहुति दी है, और अपने नहीं अपने बेटों की मिली हुई ऊंची नौकरियों को छुड़वा दिया कि अपने लिए तो दुनिया जीती, दो बच्चे पैदा करके तो जीव जंतु भी जीते हैं। सारी जिंदगी हम दो बच्चे पैदा करके पालने पोषने और उनका प्रबंध करने पर लगाते हैं, इसी में अर्थी चल पड़ती है। क्या दिया दुनिया को? आप इनको देखें कि जिन्होंने अपना सारा जीवन दे दिया, अपने बेटों की ऊंची नौकरी छुड़वा दी, और सारा जीवन देश और समाज और किसानों के लिए लगाने का एक लक्ष्य लिया। कहीं पर भी जाते हैं किराया हम देते हैं, बाकी सारा जीवन निशुल्क और फ्री मानवता की सेवा के लिए आपने लगाया है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं नमन करते हुए उनका अभिवादन करता हूं कि उन्होंने हमारी प्रार्थना से स्वीकार करके हमारे बीच में आए। भाइयों और बहनों, मैं एक निवेदन अपने युवा इन साइंटिस्टों से करना चाहता हूं। मैंने कटोत साहब से निवेदन किया है, 4 दिन की ये कार्यशाला है, ये भी कृषि का ही प्रशिक्षण वर्ग है। इन दिनों आपकी अन्य क्लासेस बंद हो जाएं और इस क्लास में आप बैठिए ताकि आपको कुछ लाभ मिले। 20 साल पहले हार्ट अटैक को कोई जानता था क्या? आज से 30 साल पहले शुगर को कोई जानता था क्या? डायबिटीज को? आज से 30 साल पहले माइग्रेन, आज से 30 साल पहले हड्डी घुटनों के रोग, ये ऐसे असाध्य रोग और कैंसर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ये इस 30 साल में इसकी इतनी गति कहां से आई?
कारण के बिना कार्य नहीं होता दुनिया में। कोई कहे बादल थे नहीं, बारिश बहुत हुई, कोई मानेगा इस बात को? कोई यूं कहे धुआं बहुत था लेकिन आग बिल्कुल नहीं थी, कोई मानेगा इस बात को? रोग बहुत हैं, इतने हैं कि हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टरों की फौज बढ़ती जा रही है, लेकिन मरीज काबू नहीं आ रहे है कि नहीं? स्थिति ऐसी। इसके पीछे कारण भाई और बहनों, इस कब बंद कमरे में बैठे हुए हमसे बड़ी भारी गड़बड़ हो रही है। आप स्वयं अनुमान लगाएं, आप सेब पैदा करते हैं, मेरे पीएसओ हैं दिलीप जी, ये सेब उत्पादन करते हैं, इनसे मेरी बात होती है। आपके हिमाचल के मैं पूछता हूं, ये कहते हैं कि ऐसे साप्ताहिक सिस्टम फिट किए हुए हैं कि इस सप्ताह में ये स्प्रे करना, अगले सप्ताह में ये स्प्रे करना, और 15 दिन में ये करना। अब सेब लगने के साथ और जब तक टूटता नहीं उस पे स्प्रे, कोई 15 दिन नहीं गुजरते कि उस पे स्प्रे ना होता हो जहरों का, हाँ या ना? हाँ बताइए। तो फिर उसके अंदर है क्या? उस सेब के अंदर जहर है ना पूरा, वो जो खाएगा उसको कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? प्रदेश के सभी छोटे बड़े किसान बागवान प्राकृतिक खेती को अपनाएं, इसके लिए उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए संबंधित विभाग एवं विश्वविद्यालय शून्य लागत पर प्राकृतिक खेती करने की सलाह दे रहे हैं और रोगमुक्त एवं स्वास्थ्यवर्धक फसलें उगाने के लिए कार्यशालाओं के माध्यम से जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इसलिए हमारे किसानों बागवानों को इस प्रकार की वैज्ञानिक जानकारी से भरपूर कार्यशालाओं में भाग लेना चाहिए, विशेषज्ञों के उच्च दिशा निर्देशों को प्राप्त करने चाहिए तथा प्राकृतिक सिद्धांतों से खेती को आगे बढ़ाना चाहिए और पर्यावरण मित्र बनते हुए उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्रदान करने वाली प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहिए।